नमस्कार, मैं नितेश सिंह, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर 9, जिसका नाम है द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। इसका पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पे, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जरूर देखिए। आज हम बात करेंगे इसके सेकेंड पार्ट के बारे में, ठीक है। तो हमने उसमें बात कर लिया था लैंड एनिमल्स एंड प्लांट्स के बारे में, डेजर्ट एनिमल एंड प्लांट्स के बारे में, पोलर वियर यानी पोलर रीजन प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में। आज हम बात करेंगे इसमें एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स के बारे में। सबसे पहले देखेंगे डिफरेंट एक्वेटिक जो हैबिटेट है ये क्या क्या हो सकता है। तो अगर हम बात करें ओशन हो सकता है, यहाँ भी बहुत सारे जानवर और बहुत सारे पौधे इस ओशन में रहते हैं। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो पॉन्ड्स एंड लेक्स के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे, तालाब और जो झीलें हैं, यहाँ भी तरह तरह के जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो पेड़ पौधे हैं ये पाए जाते हैं, इनके बारे में बात करेंगे कि ये कैसे इन जगहों पे अपने आप को एडप्ट करके रखते हैं। जैसे अगर आप देखें तो फिशेस हैं, ये कहाँ एडप्ट करती हैं, पानी में, है ना, वाटर में ये अपने आप को एडप्ट करती हैं, यानी अपने आप को पानी में ही रखती हैं। जैसे ही हम इनको धरातल पे लेकर आएंगे यानी मिट्टी पर रखेंगे, सूखी जगह पे रखेंगे, तो ये क्या होंगी, मर जाएंगी, यानी ये अपने आप को इस सिचुएशन में अडॉप्ट नहीं कर पाती हैं। वहीं अगर हम बात करें डॉल्फिन के बारे में तो ये समुद्रों में पाई जाती हैं, ये भी अपने आप को पानी में अडॉप्ट करती हैं। अगर वहीं हम बात करें फ्रॉग, तो देखिए फ्रॉग जो है अपने आप को ये जो है ये वाटर में भी रह सकता है, इसके साथ साथ ये लैंड पे भी रह सकता है। यानी ये इस तरह की इसके शरीर की बनावट है या इसकी जो संरचना है इस तरह से है, ये दोनों जगहों पे सर्वाइव कर सकता है। अगर वहीं हम बात करें क्रैब केकड़े की बात करें तो ये भी लगभग दोनों जगहों पे सर्वाइव कर पाता है, लेकिन लैंड पे बहुत ज्यादा देर तक ये नहीं रुकता है। आइए बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हम एडप्टेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स। सबसे पहले बात करेंगे एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में कि ये अपने आप को कैसे जल में अपने आप को कैसे ये एडप्ट करते हैं या कैसे जल में ये सरवाइव कर पाते हैं। आइए इसके बारे में बात करते हैं हम। सबसे पहले देखेंगे ओशंस में रहने वाले जीव यानी जानवर, ऐसे जानवर जो ओशंस में रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फिशेस के बारे में, मछलियों के बारे में, जिसकी आप सबको पता है कि ये ओशंस में रहती हैं, ठीक है, तो ये कैसे रह पाती हैं, ये ओशन में अपने आप को कैसे सरवाइव कर पाती हैं, इसके बारे में, इसके फीचर्स के बारे में हम जानेंगे कि ये किस तरह से अपने आप को ओशन में सरवाइव कर पाती हैं। तो देखिए इनका जो शेप होता है स्ट्रीम लाइन शेप होता है। स्ट्रीम लाइन शेप इन द मीन्स क्या हो गया, इसका मतलब कि ये जो इसके जो आकार है या जो इसका जो बनावट है शरीर का, ये इस तरह से है कि आगे और पीछे का जो छोर है या ये जो पॉइंट है ये क्या है, पतला है, और बीच में ये क्या है, मोटा होता है। जैसे आप देख रहे हैं इस मछली को, ये जो इसका आकार है इस तरह का है, तो आगे और पीछे का जो शेप है इसका पतला होता है और बीच का जो आकार है वो कैसा होता है, मोटा होता है। ऐसे शेप को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लैंड शेप, ठीक है। और इसकी मदद से ये जो पानी में मूव कर पाते हैं, इनसाइड द वाटर विच हेल्प देम, यानी ये जो स्ट्रीम लैंड शेप है इसका, इसे पानी में मूव करने में क्या करता है, मदद करता है। दूसरी फीचर्स क्या है इसके पास, ऐसा क्या है, तो स्लीपरी स्केल्स है। अगर आपने देखा होगा कि जो अगर ये मछलियां हैं, सपोज इट मानिए ये मछली है, तो इसके ऊपर इस तरह के स्केल बने होते हैं, है ना। तो ये जो ये स्केल होते हैं ये कैसे होते हैं, स्लीपरी होते हैं। और ये स्लीपरी होने के साथ साथ इनको क्या मदद करते हैं, तो सबसे पहली चीज कि ये इनको प्रोटेक्ट करते हैं, दूसरे जानवरों से इनको प्रोटेक्ट करते हैं। इसके साथ ये पानी में ईजी से मूवमेंट कर पाए, यानी आसानी से मूवमेंट कर पाए, ये इसलिए स्लीपरी होने के कारण ये आसानी से क्या कर पाती हैं, मूव कर पाती हैं। तीसरा फीचर इसके बारे में देखेंगे कि फिशेस हैव फ्लैट फिन्स एंड टेल्स। अब देखिए ये फिन्स है, ये क्या है, ये फिन्स है, ठीक है, ये फिन्स है, ये फिन्स है, ये इसके फिन्स है, फ्लैट फिन्स यानी चौड़े फिन्स होते हैं, इनकी मदद से ये क्या करती हैं, पानी में तैर पाती हैं या अपने डायरेक्शन को चेंज कर पाती हैं। इसके साथ साथ ये जो इसके पास पूंछ है, ये इससे ये अपने डायरेक्शन को यानी दिशा को बदल सकती है, और ये अपने पानी को बैलेंस बना करके, अपनी बॉडी को पानी के साथ बैलेंस बनाकर एक जगह से दूसरे जगह पे आसानी से मूव कर पाती है, ठीक है। तीसरा फीचर इसके पास क्या है, गिल्स है। इसके पास क्या है, गिल्स है।
और ये जो गिल्स है ये पानी में जो मिला हुआ ऑक्सीजन होता है, डिजोल्व इन वाटर है ना, यूज ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन को ये यूज कर लेती हैं जो पानी में मिक्स है। यानी इनके पास यहाँ पे अगर आपने मछली देखा होगा तो यहाँ पे एक खुला सा पार्ट होता है इनका, खुल जाता है और इसके अंदर कुछ लाल जैसा दिखाई देता है, वही क्या होता है, गिल्स होता है। और ये गिल्स की मदद से क्या करती हैं, जो पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन है उसे ले लेती हैं, यानी उसमें से ऑक्सीजन निकाल लेती हैं और उसी ऑक्सीजन से क्या करती हैं, पानी के अंदर ही ब्रीथ कर पाती हैं, श्वास ले पाती हैं, इसलिए ये पानी के अंदर ही जीवित रहती हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं इसके जो स्किन है इसके ऊपर ये स्केल्स होते हैं। ठीक है, ये जो है यहाँ पे इस वाला पार्ट जो है, ये पोर्शन क्या है, गिल्स है, और ये सभी क्या है, इसके फिन्स है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगर हम इसमें बात करें और थोड़ा सा देखेंगे, देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस। तो स्क्विड और ऑक्टोपस है कुछ ऐसे जानवर हैं या ऐसे जीव हैं जो समुद्र में रहते हैं, इनका शेप जो है स्ट्रीमलाइन नहीं होता है, डू नॉट हैव दिस स्ट्रीमलाइन शेप। ठीक है, अभी हमने बात किया कि मछलियों का जो शेप होता है वो स्ट्रीमलाइन शेप होता है, इसलिए वो आसानी से तैर पाती है। तो अगर स्क्विड्स और ऑक्टोपस के पास स्ट्रीमलाइन शेप नहीं है तो क्या ये तैर नहीं पाते हैं, तैरते हैं। देखिए क्या होता है, दे स्टे डीपर इन द ओशन। ये जो होते हैं स्क्विड्स और ऑक्टोपस, ये ओशन के डीप में यानी तली पर, यानी तल पर बैठे होते हैं, सबसे नीचे बैठे होते हैं। ठीक है, नियर द सी बेड, सीड बेड के नीचे आसपास बैठे होते हैं, कैच एनी प्रे दैट मूव टुवर्ड देम। ठीक है, जब कोई इनका शिकार होता है या किसी चीज को ये खाना चाहते हैं तब उनकी तरफ ये क्या करते हैं, मूव करते हैं, अन्यथा ये बैठे रहते हैं। और जब ये मूव करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब ये मूव करते हैं, व्हेन दे मूव इन वाटर दे मेक देयर बॉडी शेप स्ट्रीमलाइन, तो अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन शेप में ढाल लेते हैं। ऑलरेडी इनका इस बॉडी जो है स्ट्रीमलाइन शेप में नहीं होता है, लेकिन जैसे ही ये मूव करते हैं अपने शिकार को पकड़ने के लिए या अपने भोजन को लेने के लिए, तो ये अपनी बॉडी को क्या कर लेते हैं, स्ट्रीमलाइन शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं या वैसे शेप ये बना लेते हैं। अगर इसके तीसरे फीचर्स की बात करें तो दीज एनिमल्स हैव गिल्स। इन जानवरों के पास भी क्या होता है, गिल्स होता है, जिसकी मदद से ये ऑक्सीजन उपयोग में ले लेते हैं जो पानी में घुला हो। ठीक है, इसके बाद एक नेक्स्ट फीचर देखें, देयर आर सम सी एनिमल्स, जैसे कुछ जानवर हैं समुद्र के, डॉल्फिन और व्हेल्स, ये क्या करते हैं, इनके पास डू नॉट हैव गिल्स, इनके पास गिल्स नहीं होता या इनके शरीर में गिल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये कैसे श्वास लेती हैं, तो देखिए दे ब्रीद इन एयर, ये हवा में, हमारे जैसे हवा में ये श्वास लेती हैं, और ये नोस्ट्रिल से सांस लेती हैं, ये ब्लो होल्स उनके नाक पर या उनके मुंह के पास एक छेद होता है, छिद्र होता है, जिससे ये सांस लेती है। कैसे सांस लेती हैं, देखिए दिस अलाउ देम टू ब्रीद इन एयर व्हेन दे स्विम नियर द सर्फेस ऑफ वाटर। जब ये पानी के ऊपरी सर्फेस पर तैर रही होती हैं तो ये ऊपर आकर के अपने नोस्ट्रिल्स को, अपने नाक को जो है, ये मुंह को ऊपर करके हवा में सांस ले लेती हैं और फिर नीचे चली जाती हैं। ठीक है, दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीदिंग। इनमें एक ऐसी खासियत होती है, ऐसा फीचर होता है कि ये लंबे समय तक बिना श्वास लिए पानी के अंदर रह सकती हैं, और जब इनको श्वास लेना होता है तो दे कम आउट द सर्फेस फ्रॉम टाइम टू ब्रीथ इन एयर। और जब इनको श्वास लेना होता है तो सरफेस पे, यानी पानी के ऊपरी सतह पर आती हैं और श्वास लेकर के फिर से अंदर चली जाती हैं, यानी टाइम टू टाइम, समय समय पे ये श्वास लेने ऊपर आती हैं और फिर वापस चली। इस तरह से देखिए, जैसे ये ऑक्टोपस है, ये इस शेप में होता है, लेकिन जैसे ये मूव करने को होता है ये अपने आकार को, यानी अपने शेप को स्ट्रीमलाइन शेप में बना लेता है और ये आसानी से वहां पे मूव कर पाता है। डॉल्फिन देखिए, ऑलरेडी ये क्या है, स्ट्रीमलाइन शेप है इनकी, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे ये नोस्ट्रिल होते हैं इनके पास, यहाँ पे ये नोस्ट्रिल या ब्लो होल्स होते हैं जो श्वास लेते हैं, तो ये जब इनको श्वास लेना होता है तो ये ऊपर की ओर आती हैं, ठीक है, और श्वास लेकर के अंदर चले जाती हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वेल मछली है, और ये देखिए इसके श्वास लेने की ये जगह है, ब्लो होल्स है। जब ये ऊपर पानी की ऊपरी सतह पर तैरती है, ऊपरी सतह पर जब तैरती है तो ये आसानी से हवा में श्वास लेती है और फिर नीचे चले जाती है, और फिर जब इसको लगता है कि नहीं अब श्वास लेना चाहिए तो फिर ये पानी के ऊपरी सतह पर वापस आ जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात करें, हमने देख लिया ओशंस के बारे में, सी के बारे में देख लिया, अब देखेंगे हम पॉन्ड्स एंड लेक्स के बारे में।
यानी तालाब और झीलों के बारे में, यहाँ कौन से जीव रहते हैं। यहाँ हमें मोस्टली क्या देखने को मिलता है, फ्रॉग, मेंढक। ये अपने आप को पानी में कैसे सर्वाइव कर पाता है इसे हम थोड़ा देखेंगे। फ्रॉग यूजली हैव पॉन्ड्स एज देयर हैबिटेट, यानी अपने हैबिटेट के रूप में फ्रॉग जो है हमेशा तालाबों में देखा जाता है या तालाबों में रहता है। फ्रॉग कैन स्टे बोथ इनसाइड द पॉन्ड वाटर एंड एज वेल एज मूव ऑन लैंड। अभी हमने बात किया था कि जो फ्रॉग होता है इसका जो सर्वाइवल तरीका है या जो सर्वाइव करने का इसके पास जो सिस्टम है ना, प्रकृति ने जो इसको इस सिस्टम दे रखा है, इस सिस्टम के आधार पर, इस तंत्र के आधार पर ये जैसे जिस तरह से पानी में भी आसानी से रह लेता है, ठीक वैसे ही ये लैंड पर भी रह लेता है और लैंड पे मूव भी कर लेता है। यानी पैर पानी में भी आसानी से तैर लेता है, अपने शिकार को पकड़ लेता है, अपना शिकार खा लेता है ना, ठीक उसी तरह से ये जमीन पर भी चल लेता है, अपने शिकार को कर लेता है, यानी अपना भोजन प्राप्त कर, यानी कहने का मतलब है कि ये दोनों जगह पे सर्वाइव कर लेता है। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग, इसका जो पिछला पैर होता है काफी स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, और आपने देखा होगा कि ये लंबा जंप लेता है। हेल्प देम इन लीपिंग, यानी जंप, जब जब जंप करता है तो अपने पिछले पैरों पे ज्यादा दबाव बनाता है और आगे की ओर क्या करता है, ये उछल करके चला जाता है और फिर कैचिंग दियर प्रे, अपने शिकार को आसानी से पकड़, ठीक है। दे हैव वेब्ड फिट विच हेल्प देम स्विम इन वाटर, इनके पास ये जो फिट होती है ये वेब्ड होती है, वेब्ड का मतलब है कुछ जाली नुमा होता है इस तरह से, इस ये देख रहे हैं जैसे ये बना हुआ है, ठीक है, तो ये जाली नुमा यहाँ पे पैर है, यानी इस तरह से कह सकते हैं कि ये, एक मिनट में बता रहा हूं, इस तरह से इसका पैर होता है, ये जो जाली नुमा या वेब्ड पैर होता है, फैला हुआ पैर होता है, इसकी मदद से ये क्या कर पाता है, देखिए जैसे ये फैला हुआ पैर है, अपना पैर फैलाता है और इससे पानी को धक्का मारता है, यानी पुश करता है और अपने आप को, अपनी बॉडी को क्या कर पाता है, आगे मूव करा पाता है, ठीक है। आइए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि एडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स, हमने जानवरों के बारे में देख लिया एडेप्टेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स, अब देखेंगे हम क्या एडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में, कि पौधे पानी में कैसे जीवित रहते हैं या अपने आप को कैसे सर्वाइव करते हैं। देखिए जैसे क्या है कि कुछ पौधे जो होते हैं पानी में फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, ठीक है, कुछ पौधे पानी में पूरी तरह से सबमर्ज्ड होते हैं, डूबे हुए होते हैं, और कुछ पौधे जो होते हैं पानी में पार्शियली सबमर्ज्ड होते हैं, कहने का मतलब है कि आधा पार्ट उनका सतह से लगा होता है और बाकी कुछ पार्ट जो है पानी के ऊपर होता है। तो इस तरह के पौधे हमने पानी में काफी देखे होंगे, आइए बात करते हैं इसके बारे में, ये कैसे, ये इन सभी तरह के पौधे जो है अपने आप को कैसे सर्वाइव करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम फ्लोटिंग प्लांट्स के बारे में, जैसा कि आप देख रहे हैं ये पानी के सतह पे तैरता है, इसका थोड़ा सा पार्ट जो है पानी के नीचे होता है जो कि ग्राउंड लेवल तक यानी सतह के नीचे तक नहीं जाता है। अब यहाँ पे कुछ पौधे हैं जैसे देखिए, ये पार्शियली सबमर्ज्ड है, यानी कहने का मतलब है ये पानी है, अगर मान लीजिए ये पानी है यहाँ पे, तो ये ऊपर की ओर होते हैं और ये जो इसका जड़ है जमीन से लगा होता है, ये पार्शियली सबमर्ज्ड होते हैं, जैसे लोटस है ये पार्शियली सबमर्ज्ड होता है, वाटर लिली है ये पार्शियली सबमर्ज्ड होता है, ठीक है। आगे देखिए, हमने बात किया कंप्लीटली सबमर्ज्ड, एक पौधा होता है, इस तरह के पौधे होते हैं जो कंप्लीटली सबमर्ज्ड होते हैं पानी में, पूरी तरह से डूबे हुए होते हैं, यानी इनका कोई भी पार्ट ऊपर से दिखाई नहीं देता है, ये पूरी तरह से डूबे होते हैं पानी में, सबमर्ज्ड होते हैं। आइए एक एक करके इसके बारे में जानते हैं कि कैसे ये अपने आप को पानी में सर्वाइव कर पाते हैं। जैसे देखिए, एक्वेटिक प्लांट्स डू नॉट डिपेंड ऑन दियर रूट्स, जो एक्वेटिक प्लांट हैं ये अपने रूट पे डिपेंड नहीं करते। इसके लिए भाई क्यों नहीं डिपेंड करते और क्या काम करता है ये रूट, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था एक चैप्टर में कि जो रूट होते हैं ये सॉइल से जो है वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं ये सॉइल से मिनरल एंड वाटर के लिए पौधों जड़ों पे डिपेंड नहीं होते, क्योंकि ये खुद पानी के अंदर हैं, तो ये पानी से डायरेक्ट, यानी कहने का मतलब इनके जो स्टेम है, जो तने हैं, ये भी मिनरल एंड वाटर ले लेते हैं, इनकी जो पत्तियां हैं, जो लीव्स हैं, इनकी जो पत्तियां हैं ये भी डायरेक्टली मिनरल एंड वाटर पानी से प्राप्त कर लेती हैं, यानी जड़ के ऊपर ये डिपेंड नहीं होती हैं कि जड़ ही जो है या रूट जो है वाटर एंड मिनरल हमें एब्जॉर्ब करके देगा, इसलिए ये डिपेंड नहीं होती।
वाटर एंड मिनरल कैन बी ऑब्जर्व डायरेक्टली फ्रॉम द सर्फेस ऑफ लीव्स ब्रांचेस एंड स्टेम, यानी स्टेम लीव्स और ब्रांचेस के सर्फेस के द्वारा मिनरल एंड वाटर ऑब्जर्व कर लिया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार एक्वाटिक प्लांट्स का अगर कहें तो वेरी स्मॉल एंड शॉर्ट रूट, इनका जो जड़ होता है छोटा होता है और शॉर्ट होता है ना, वेरी स्मॉल बहुत ही छोटा और शॉर्ट होता है। इसके साथ साथ इसका जो मेन फंक्शन होता है, जो रूट का मेन फंक्शन क्या होता है, होल्ड द प्लांट इन प्लेस, बस इतना होता है कि पौधे को अपने जगह पे ही होल्ड रखे, यानी पानी के साथ बह करके एक जगह से दूसरे जगह पे ना जाए, बस इतना इसका काम। ठीक है, दूसरी चीज, द स्टेम्स ऑफ दिस प्लांट्स आर लॉन्ग होलो एंड लाइट, जो इसके स्टेम होते हैं लंबे होते हैं, खोखले होते हैं और हल्के होते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है भाई, तो कैन बेंड विद फ्लो ऑफ वाटर एंड आर नॉट डैमेज्ड बाय द वाटर करंट, जब पानी की धारा बहती है, पानी जब तेज बहाव में होता है तो ये डैमेज ना हो, ये पौधे टूटे नहीं, खराब ना हो, इसलिए ये इस तरह से, अगर ये लॉन्ग होलो और लाइट है, यानी लंबी है, खोखली हैं और हल्की हैं, जैसे ही पानी का बहाव तेज होगा ये क्या होंगी, बेंड हो जाएंगी, है ना, और बेंड होने से क्या होगा, इनका कोई किसी प्रकार का डैमेज नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, सम एक्वेटिक प्लांट्स आर टोटली सबमर्ज्ड इन वाटर, अभी हमने बात किया कि कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो पानी में पूरी तरह से सबमर्ज्ड होते हैं। ऑल पार्ट ऑफ सच प्लांट ग्रो अंडर वाटर, जैसे अगर सबमर्ज्ड है तो सारे पार्ट्स का मतलब क्या है, उसका रूट पानी के अंदर होगा, उसका स्टेम पानी के अंदर होगा, उसकी जो लीव्स हैं वो पानी के अंदर होंगी, उसके जो फ्लावर हैं वो पानी के अंदर होंगे, उसके जो फ्रूट हैं वो पानी के अंदर होंगे, यानी सारा पार्ट, एक पौधे में जितने भी पार्ट होते हैं वो सभी कहाँ होंगे, इन वाटर होंगे, यानी पानी के अंदर ये सबमर्ज्ड है। ठीक है, तो ये पूरी तरह से पानी में सबमर्ज्ड होता है। अब यहाँ पे देखें, सम ऑफ दिस प्लांट्स हैव नैरो एंड इन रिबन लाइक लिप्स, अब इस तरह की जो पौधे होते हैं इनकी जो पत्तियां होती हैं वो नैरो होती हैं, बहुत ही बारीक होती हैं, पतली होती हैं, रिबन लाइक होती हैं, और ये क्यों होता है, क्योंकि जब पानी का बहाव होता है तो ये आसानी से बेंड हो जाती हैं और वो पानी वहां से आसानी से क्या होता है, पास आउट हो जाता है, निकल जाता है, जिससे इनका किसी भी प्रकार का डैमेज नहीं होता। ठीक है, लिप्स आर ऑफन हाईली डिवाइडेड, ये काफी डिवाइडेड होती है, यानी कि ऐसी इस तरह की लीव्स होती हैं, इनमें कोई, जैसे हम कहें कि एक पीपल का पत्ता है या एक आम का पत्ता है, तो इस तरह से नहीं होता। ठीक है, इस पे अगर पानी का दबाव पड़े तो ये फट जाए या इसका डैमेज हो जाए, ऐसे नहीं होता, ये इस तरह की पत्तियां होती हैं कि ये आसानी से बेंड हो जाए और पानी इसके बीच से आसानी से निकल जाए, जिससे इनका कोई भी किसी भी प्रकार का डैमेजिंग ना हो। ठीक है, इस तरह से ये पानी में अपने आप को क्या कर पाती है, सर्वाइव कर पाती, जैसे देखिए लॉन्ग हॉलो एंड लाइटेस्ट, ये वाटर लिली का ये है, अगर आप इस पौधे को देखेंगे तो ये बीच में खोखला होता है, ठीक है, लंबा होता है और ये हल्के होते हैं। ठीक है, इस तरह से ये अपने आप को पानी में क्या कर पाते हैं, सरवाइव कर पाते हैं। अगर यहाँ पे देखें, ये नैरो एंड रिबन लाइक लिप्स, पतली पतली पत्तियां, ये हाईली डिवाइडेड होती हैं, बहुत छोटी 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 पत्तियां अलग अलग होती हैं, यानी डिवाइडेड होती हैं, है ना, बहुत ज्यादा पानी पे इनका प्रेशर नहीं हो पाता है, अगर प्रेशर हो जाएगा पानी से इनका इस पे ऊपर दबाव पड़ेगा तो ये क्या होंगे, इनके पौधे टूट जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हाईली डिवाइडेड होती हैं, इसलिए इन पे बहुत ज्यादा पानी का प्रेशर नहीं हो पाता। अब देखिए हमारे आसपास लिविंग थिंग्स जो है, लिविंग थिंग्स अराउंड अस, इसके बारे में हम बात करें, जैसे हमने बहुत सारी चीजों को देखा होगा, जैसे हम खुद लिविंग थिंग्स हैं, पेड़ पौधे हैं लिविंग थिंग्स हैं, जो हमारे घर में बिल्ली आती है वो लिविंग थिंग्स है, है ना, कुत्ते हैं वो भी लिविंग थिंग्स हैं, गाय हैं, बैल हैं, चिड़िया है, मतलब तमाम तरह के जितने भी जीव हैं, छोटे छोटे कीड़े, चींटियां, ये सभी क्या हैं, लिविंग थिंग्स हैं। तो इन लिविंग थिंग्स के बारे में हम देखने वाले हैं कि इनमें क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, क्या क्या फीचर्स हो। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं कि कैन यू थिंक ऑफ द प्ले ऑफ ए प्लेस वेयर There are no living organism. क्या तुम कोई ऐसी जगह सोच सकते हो, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसी जगह आ रही है या ऐसा तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है कि यहां पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा? तो अगर ये आपके मन में क्वेश्चन है तो इसको आइए दूर कर देते हैं। सबसे पहली चीज जान लीजिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट एवरीवेयर, सभी जगह ये लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं।
कैसे प्रेजेंट होते हैं, किन रूपों में होते हैं, तो देखिए वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इनसाइड आवर होम आल्सो, यानी हमारे घर के बाहर भी हैं, हमारे घर के अंदर भी हैं। अगर हम कहें ये हमारे घर के अंदर भी एंट, बाहर भी मिल जाती है, स्पाइडर हमारे घर में भी होती हैं, मकड़ियाँ, कॉकरोचेस किचन में, लिजार्ड ये दीवारों पे आपने जनरली देखा हो, ये सभी क्या है, लिविंग थिंग्स हैं और ये हमारे आसपास ही रहते हैं। पीपुल हैव इवन फाउंड टीनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द ओपनिंग ऑफ वोल्केनोस। लोगों ने ऐसा भी पाया है कि जो वोल्केनोस हैं, जो ज्वालामुखियां हैं, वो भी जब निकलती हैं, ज्वालामुखी इतनी गर्म है, हम ये मान सकते हैं या ये सोच सकते हैं कि वोल्केनो जब निकलती होगी इतनी हीट है तो वहां पे तो कोई ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों ने ऐसा पाया है, लोगों ने ऐसा ढूंढा है, ऐसा देखा है कि जब वोल्केनो निकलती है या वोल्केनो खुलता है, उसका मुंह खुलता है, तो वहां भी कुछ छोटे छोटे जीव, ऐसे सूक्ष्म जीव पाए गए हैं या देखे गए। इस तरह से ये सिद्ध होता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म ना हो। आइए देखते हैं इसके बारे में। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, जाहिर सी बात है जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको क्या है, भोजन की आवश्यकता। और ये भोजन कैसे मिलता है इनको हम देख लेते हैं। तो ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड स्टे अलाइव, जीवित रहने के लिए सबको भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। आगे देखिए, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पौधे जो है अपना ये भोजन, हमने पहले भी पढ़ लिया कि पौधे जो है अपना भोजन फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा तैयार करते हैं, बनाते हैं और खाते हैं। तो इनको क्या नाम दिया जाता है, ऐसे पौधे जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उनको कहा जाता है ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, स्वपोषी जिन्हें कहा जाता है। अगर हम बात करें दूसरा कि एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन द प्लांट, डिपेंड ऑन प्लांट एंड अदर एनिमल फॉर देयर फूड। जो जानवर और हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये हम डिपेंड कहाँ करते हैं, हम पौधों पे डिपेंड करते हैं और अदर एनिमल्स पे डिपेंड, तो इन्हें कहा जाता है हेटरोट्रॉफ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद अपना भोजन बना लेता हो उसे ऑटोट्रॉफ कहते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे एनिमल एंड ह्यूमन हो गया, ये जो है हम सभी किस पे डिपेंड करते हैं, पौधों पे, यानी पौधों से अनाज मिलेगा उसे खाएंगे, या जानवरों से हम डिपेंड करते हैं, दूध दही अंडा मीट ये सारी चीजें पौधों से मिलेंगी हम खाएंगे। तो ऐसे लोगों को जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं उन्हें हेटरोट्रॉफ कहते हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं यहाँ पे कि सम ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन डेड डिकेइंग मैटर। ध्यान दीजिएगा, अपना भोजन जो है, जो सड़ा हुआ पदार्थ है, जो खराब पदार्थ है, वहां ये डिपेंड करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे फंगी हो गया, और वैसे जानवरों को, वैसे जीवों को हम क्या बोलते हैं, सेपेरोट्रॉफ, ठीक है। फिर बात करते हैं कि फूड गिव ऑर्गेनिज्म द एनर्जी टू ग्रो एंड कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस। अब यही भोजन, जाहिर सी बात है भोजन हम करेंगे तो ये भोजन हम ऑर्गेनिज्म को क्या देगा, एनर्जी देगा, ग्रो कराएगा, है ना, एनर्जी टू ग्रो बढ़ने के लिए एनर्जी देगा, एनर्जी टू कैरी आउट मतलब तमाम तरह की जो लाइफ प्रोसेस है हमें वो करने के लिए क्या देगा, ये एनर्जी देगा फूड, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम ये देखें तो नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड फॉर सर्वाइवल, और जो निर्जीव वस्तु हैं इन्हें किसी भी भोजन की जरूरत नहीं होती है जिंदा रहने, क्योंकि ये निर्जीव हैं, इन्हें किसी भी प्रकार के भोजन की जरूरत नहीं है। आइए आगे देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे है डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस, पौधा क्या करता है भाई, तो सूर्य के उपस्थिति में, यानी सूर्य से प्रकाश लेता है, सनलाइट लेता है, और एटमोस्फियर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, ठीक है, और जड़ से क्या लेता है, मिनरल एंड वाटर लेता है, और पत्तियों में क्या मौजूद होता है, क्लोरोफिल होता है। अब इन सभी को लेकर के एक प्रक्रिया करता है, एक क्रिया करता है जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस, और इसके दरमियान ये क्या करता है, अपना भोजन तैयार करता है। अगर हम बात करें, ये तो हो गया क्या, ऑटोट्रॉफ, ठीक है। अगर हम बात करें हेटरोट्रॉफ के बारे में, जैसे आप देखिए ये जो घास है, ये जो पौधा है, ये किससे अपना खुद भोजन बना रहा है, इस पौधे को ये छोटे छोटे जो जीव हैं या छोटे छोटे जो कीड़े हैं ये खाते हैं, इन कीड़ों को कौन खाता है, ये चूहे खा जाते हैं, इन चूहों को कौन खाता है, ये सांप खा जाते हैं, और सांप को कौन खाता है, ईगल खाता है। यानी इसके बाद अगर हम कहें कि इसके बाद का जो दिख रहा है ये सब एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, सब एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, डिपेंड हो रहे हैं, तो ये कैसे हैं, हेटरोट्रॉफ, ठीक है। जैसे ये देखिए ये भोजन बन के तैयार हुआ, ये जो मशरूम है ये क्या है, डिकेइंग है ना,
ये डिकेइंग मैटर को अपना भोजन के रूप में यूज करता है, तो ये क्या हो गया। इस तरह से ये अलग अलग जो जीव हैं या अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ तो हैं ऐसे जो खुद अपने आप से भोजन बनाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो पौधे और एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो सड़े हुए भोजन पे या सड़े हुए वस्तुओं पे या चीजों पे जो है अपना भोजन ढूंढ लेते हैं। अगर हम यहां बात करें दूसरा पॉइंट कि ऑल लिविंग थिंग्स सो ग्रोथ, सभी सजीव में जितने भी हमने सजीव देखा है या जितने भी जीवित ऑर्गेनिज्म हम देखते हैं, या जो पेड़ हो या कोई छोटा जानवर हो या चिड़िया हो या चींटी हो, ये सभी ग्रोथ करते हैं, बढ़ते हैं। जैसे देखिए ग्रोथ क्या है, मतलब इंक्रीज इन साइज, उनका साइज बढ़ता है, ठीक है। और ये इंक्रीजिंग इन साइज जो है ये कॉमन होता है ऑल लिविंग थिंग्स में। अगर हम बात करें अ बेबी ग्रो टू बिकम एडल्ट, एक छोटा सा बच्चा थोड़ा बड़ा होगा, उसका साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, वो एडल्ट बन जाएगा। सीड ग्रो एंड बिकम अ प्लांट, एक बीज जो है हम अगर कहीं जमीन में लगाते हैं तो बड़ा होकर के एक क्या बन जाएगा, पौधा बन जाएगा। यंग वंस ऑफ एनिमल्स, जो बच्चे के छोटे छोटे जानवर होते हैं, जो बच्चे होते हैं जानवरों के, ये क्या करते हैं, बड़े होकर के एडल्ट बन जाते हैं। पप्स ऑफ अ डॉग ग्रो इनटू एडल्ट्स, जो पपी होती हैं कुत्तों के, जो बच्चे होते हैं ये बड़े होकर के एडल्ट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छी चिकन हैच्ड फ्रॉम एन एग, जब एक अंडे से हैच करके एक बच्चा निकलता है, एक मुर्गी का बच्चा निकलता है, तो आगे चल करके वो बड़ा होकर के या तो मुर्गी या तो मुर्गा बन जाता है, बड़ा हो जाता है। यानी इस तरह से क्या देखा गया है कि ऑल लिविंग थिंग्स सो ग्रोथ, सब में ग्रोथ दिखता है, यानी वो बड़े होते हैं। आइए जैसे आप देखिए यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा कुछ समय बाद इतना बड़ा हुआ, कुछ समय बाद इतना बड़ा हुआ, और बाद में क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। देखिए लाइफ प्रोसेस से इसमें ये ग्रोथ दिख रहा है। आगे देखिए इसमें ये जो पपी है ना, ये पपी है, ये बड़ा होकर के क्या बन जाएगा, एडल्ट बन जाएगा। हमने एक छोटा सा बीज लगाया, ये थोड़ा स्प्राउट हुआ, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, प्लांट हो गया, प्लांट हुआ, फिर इसके बाद ये क्या हो गया, एक ट्री का रूप ले, है ना। तो इस तरह से इनके साइज में क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ोतरी होती है, ठीक है। तो ऑल लिविंग थिंग्स जो है ग्रोथ दिखते हैं, सब में क्या दिखता है, ग्रोथ दिखता है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पायर, यानी सभी जो जितने भी सजीव हैं ये क्या करते हैं, श्वास लेते हैं, ठीक है। जैसे हम श्वास लेते हैं तो श्वास में हम क्या लेते हैं, देखिए रिस्पायरेशन इज अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन टेकन बाई एन ऑर्गेनिज्म कंबाइन विथ रिजर्व फूड टू रिलीज एनर्जी। क्या होता है ये रिस्पायरेशन, हम क्यों करते हैं, श्वसन प्रक्रिया क्यों होती है, तो ये जो श्वसन प्रक्रिया में हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। सबको पता है कि जब हम श्वास लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, और श्वास जब छोड़ते हैं तो हम क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। तो जब हम श्वास लेते हैं तो हम उसके साथ क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और ये ऑक्सीजन जो है ऑर्गेनिज्म क्या करता है, कंबाइन कर देता है, जोड़ देता है, किसके साथ, जो हम भोजन लिए रहते हैं उसके साथ इस ऑक्सीजन को जोड़ते हैं, और फिर जब भोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलता है तो रिलीज होता है, क्या निकलता है उससे, एनर्जी निकलता है, हमें एनर्जी प्राप्त, ठीक है। रिस्पायरेशन इन्वॉल्व इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रिस्पायरेशन क्या है, तो हम कह सकते हैं इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन, ठीक है। प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस, अगर हम कहें तो ये गैसों का बदलना है, हम ऑक्सीजन लिए कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, ठीक है। ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब देखिए क्या है कि अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है इनके पास अलग अलग मैकेनिज्म है, अलग अलग यंत्र है, क्या करने के लिए भाई, तो गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए, यानी रिस्पायरेशन करने का सभी जीवों का अलग अलग तरीका है, या कह सकते हैं मोड है। कैसे, जैसे अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है एयर से, ठीक है, और किसके थ्रू लेता है, तो नोज, नाक से लेता है, बाय द ब्रीथिंग प्रोसेस। जब वो श्वास लेता है, नाक से खींचता है, तो हवा से क्या ले लेता है, ऑक्सीजन ले लेता है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये तो हो गया ह्यूमन बीइंग का। दूसरा बात करेंगे हम अर्थवर्म्स के बारे में, तो अर्थवर्म्स कैसे श्वास लेता है, तो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। अर्थवर्म जो है अपने स्किन से श्वास लेता है, ठीक है। अगर हम वही बात करें फिशेस, अभी हमने पीछे बात किया, जो फिशेस होती हैं ये अपने गिल्स से जो ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर होता है, यानी पानी में जो ऑक्सीजन घुला होता है,
ये अपने गिल्स के थ्रू उस ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करते हैं या ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा व्हेल और डॉल्फिन के बारे में, तो ये जो है एयर से श्वास लेते हैं, डायरेक्ट हवा से श्वास, जैसे ह्यूमन बीइंग श्वास लेता है एयर से, वैसे ही ये श्वास लेते हैं। तो ये टाइम टू टाइम पानी से बाहर निकल के आते हैं और अपना श्वास लेकर के चले जाते हैं। तो अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें इसमें, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स टेक्स प्लेसेस थ्रू टेनी पोर्स, जिसको स्टोमाटा बोलते हैं, प्रेजेंट ऑन देयर लिप्स। जो पौधे हैं ये भी श्वास लेते हैं, ये भी अपने गैसेस एक्सचेंज करते हैं, तो ये किसके थ्रू करते हैं, तो स्टोमाटा के थ्रू करते हैं। जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं इनकी पत्तियों में, उनके थ्रू ये श्वास लेते हैं। तो आपने देखा अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग मोड में, यानी अलग अलग तरीके से क्या करता है, श्वास लेता है। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में देखने वाले हैं, ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, यानी जितने भी लिविंग थिंग्स हैं ये रिस्पॉन्स करते हैं, है ना। जैसे ही हम कुछ करेंगे, यानी उन्हें टच करेंगे, उन्हें गर्मी का एहसास कराएंगे या उन्हें ठंड का एहसास कराएंगे, तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं कैसे सभी जीव जो हैं कुछ अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, तो इनको देखते हैं। चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुली, जैसे लाइट, हीट, स्मेल, टेस्ट, टच। अगर हम किसी चीज को टच करें तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या है वो, कैसा है, ठीक है। अगर हमारे आंख पे अचानक से रोशनी आ जाती है तो हम रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर हमें ज्यादा हीट लगने लगता है तो हम रिस्पॉन्ड करते हैं। हम कुछ न कुछ उसका प्रतिउत्तर करते हैं, यानी हम उसकी क्रिया का प्रतिक्रिया करते हैं, कुछ न कुछ करते हैं जिससे हमें पता लगता है कि ना यहाँ पे क्या है, हीट आया है या लाइट आई है या कुछ ऐसा स्मेल आया, तो हम रिएक्शन देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्ड यानी कि स्टिमुली, ठीक है। अगर हम किसी चीज का टेस्ट हमें बहुत तीखा लगा तो हम अपने मुंह पे वैसा एक्सप्रेशन लाते हैं, ये क्या हो गया, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि ये तीखा है या ये बहुत मीठा है, यम्मी है, है ना। इस तरह के रिस्पॉन्ड हम करते रहते हैं चीजों को लेकर के या देख करके या टच करके। अगर हम बात करें यहां पे दूसरे पॉइंट की, इफ यू टच अ वेरी हॉट ऑब्जेक्ट एक्सीडेंटली, सपोज दैट अगर गलती से हमने किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे हाथ रख दिया तो हम क्या करते हैं, वी क्विकली पुल ऑफ आवर हैंड अवे फ्रॉम हॉट, तेजी से वहां से हम खींच लेते हैं या वहीं रखे रहते हैं, नहीं 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 रखे रहेंगे तो कुछ और हो जाएगा, है ना। तो हम तेजी से अपना हाथ वहां से क्या करते हैं, खींच लेते हैं, तो ये क्या है, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है, हम स्टिमुली कर रहे हैं। तो ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। व्हेन वी मूव टुवर्ड बर्ड, ध्यान दीजिएगा, व्हेन वी मूव टुवर्ड बर्ड दे फ्लाई अवे, अगर कोई चिड़िया दाना खा रही है या कहीं कुछ चुग रही है, बैठी है ग्राउंड पे और हम उसकी ओर धीरे धीरे भी मूव करते हैं ना, तो चिड़िया क्या है, हमें उसको, चिड़िया को पता लग जाता है कि हम उसकी तरफ आ रहे हैं और वो क्या करती है, उड़ जाती है, फ्लाई अवे, वो क्या कर रही है, रिस्पॉन्ड कर रही है, यानी उसे डर है हमसे। अगला पॉइंट देखिए, व्हेन फूड इज सर्व टू एनिमल दे सडनली बिकम एक्टिव ऑन सीइंग द फूड, जब हम किसी जानवर को भोजन देते हैं, है ना, या कुत्ते को आप बुलाओगे, बिस्किट दोगे, तो क्या करेगा, दौड़ के आएगा आपकी तरफ, है ना, दौड़ के आपकी तरफ आएगा, यानी वो क्या करेगा, बिकम एक्टिव ऑन सीइंग द फूड, जैसे ही वो भोजन देखेगा तुरंत उसमें एक्टिविटी आ जाती है। अगर वो सोया हुआ है, बैठा हुआ है या कहीं उसका और ध्यान है, अगर आप कहो आजा रोटी खा ले, आजा बिस्किट खा ले, तो भाग करके आपके पास, है ना। आगे पॉइंट देखते हैं इसमें, वाइल्ड एनिमल रन अवे व्हेन ब्राइट लाइट इज फ्लैश टुवर्ड देम, अगर जो जंगली जानवर है, सपोज दैट कोई जंगली जानवर है और आपने उस पर टार्च जला दिया, कोई चमकीली रोशनी जला दिया, तो क्या होता है, उसको देख करके भाग जाते हैं, है ना। जैसे कॉकरोचेस बिगिन टू मूव टू दियर हाइडिंग प्लेसेस इफ द लाइट इन द किचन रूम इज स्विच्ड ऑन एट नाइट, क्या होता है कि जैसे हम किचन की लाइट ऑफ करके सोने चले जाते हैं रात में, सपोज दैट मानिए कि हम सोने चले गए लाइट ऑफ करके और हमें रात में प्यास लगी, तो हम कहां जाएंगे, किचन में जाएंगे, तो किचन में जाएंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लाइट ऑन करेंगे और हम देखेंगे क्या कि हमारे जो गैस चूल्हा है उस पर कॉकरोच घूम रहा है या इधर उधर दीवारों पे कॉकरोच घूम रहा है, लेकिन जैसे ही हम लाइट ऑन करेंगे वो भाग करके कहाँ चला जाएगा, जहां वो हाइडिंग प्लेस है वो जाकर के छुप जाएगा, है ना। अंधेरे में वो रहना पसंद, उससे प्रकाश पसंद नहीं है, वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। सम प्लांट्स ब्लूम ओनली एट नाइट, कुछ पौधे जो होते हैं वो रात में ही खिलते हैं, एंड कुछ पौधे जो होते हैं आफ्टर सनसेट खिलते हैं, यानी सूर्य के डूबने के बाद खिलते हैं। तो ये क्या है, ये लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी प्रकाश के, प्रकाश को देख करके ये अपनी क्रिया जो है
चेंज करते हैं या ये बदलते हैं अपने आप को, इनका जो तरीका है या जो बिहेव है वो चेंज होता है, ये क्या है इनका रिस्पॉन्ड करना। अगर हम बात करें कि इन सम प्लांट लाइक मिमोसा कॉमनली नोन एज टच मी नॉट, अगर आपने देखा होगा जिसको हम अपने देसी भाषा में छुई मुई पौधा भी कहते हैं, छूते हैं उस पौधे को, जैसे ही टच करोगे आप उसकी पत्तियां क्या हो जाएंगी, ऐसे अगर खुली हुई है तो ये सिकुड़ना शुरू हो जाती है, सारी पत्तियां उसकी क्लोज हो जाती हैं। लिप्स क्लोज और फोल्ड व्हेन समवन टच देम, जैसे ही हम उसको छूते हैं, उसका नाम मिमोसा है लेकिन ऐसे कॉमनली टच मी नॉट जाना जाता है, छुई मुई के नाम से जाना जाता है ना, छूते ही वो क्या हो जाती है उसकी पत्तियां क्लोज हो जाती हैं। तो ये सब क्या है, ये रिस्पॉन्सेस हैं, अगर हम उसे टच करते हैं तो ये रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे देखिए टच मी नॉट, अगर आप यहाँ टच करोगे तो ये क्या हो जाएंगी, सारी पत्तियां नीचे की ओर क्लोज हो जाएंगी, सारी पत्तियां बंद हो जाएंगी, ठीक है। जैसे ये देखिए फोटोट्रोपिज्म किसे कहते हैं, तो अगर किसी पौधे को जैसे किसी बंद कमरे में हमने रख दिया और एक खिड़की से थोड़ा सा प्रकाश आ रहा है, ठीक है, खिड़की से थोड़ा सा प्रकाश आ रहा है, तो इस पौधे को हमने यहाँ रखा तो इसके जो पत्तियां हैं या इसके जो तने हैं ये उसी तरह रिस्पॉन्ड करने लगेंगे या उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगेंगे जिस तरफ से क्या हो रहा है, धूप आ रहा हो। तो इसको क्या बोलते हैं, फोटोट्रोपिज्म, ठीक है, यानी प्रकाश की ओर चलना या बढ़ना। आइए थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, ठीक है, इस चीज को तो हमने पहले ही देख लिया। आइए आगे बढ़ते हैं, पांचवा पॉइंट हम बात करेंगे यहां पे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रिएट, यानी मल मूत्र त्याग कर, है ना, एक्सक्रिएट करते हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या करते हैं एक्सक्रिएट करते हैं, यानी मल मूत्र त्याग करते हैं या निकालते हैं। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ दिस वेस्टेड बाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक्सक्रिएशन, यानी जो खराब तत्व है शरीर में, जो बेकार पड़ा हुआ है, उस खराब पड़े हुए तत्वों को जब हम अपने शरीर से बाहर निकालते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सक्रिएशन, ठीक है। ह्यूमन बीइंग एनिमल्स एक्सक्रिएट एंड रिमूव द अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ह्यूमन बीइंग और एनिमल के द्वारा वो हम एक्सक्रिएट कर देते हैं और यानी रिमूव कर देते हैं, निकाल देते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, पौधे जो है क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं यानी बनाते हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, और जब श्वसन क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, ये क्या करते हैं, ये रिमूव कर देते हैं, निकाल देते हैं, किसके थ्रू, स्टोमेटा के, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे, एक्सेस वाटर इज एलिमिनेटेड बाई ट्रांसपीरेशन, जब पत्तियों के द्वारा बहुत ज्यादा एक्सेस वाटर एलिमिनेट किया जाता है यानी ले लिया जाता है तो उसको क्या कर दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, किस प्रोसेस से, ट्रांसपीरेशन, यानी जब जड़ के थ्रू, हम कहते हैं ना कि जड़ क्या करते हैं, ये मिनरल एंड वाटर, मिनरल्स एंड वाटर जो है जड़ के थ्रू क्या होते हैं, पौधों को ऊपर जाता है और ये पत्तियां जो है इस पानी को क्या करती हैं, ले लेती हैं और फिर ये भोजन बनाती हैं। लेकिन जो एक्सेसिव वाटर ये पत्तियों पे बच जाता है ये एलिमिनेट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, किसके थ्रू, किस प्रोसेस के थ्रू, तो ट्रांसपीरेशन, ठीक है, यानी वाष्प बन करके इन ये पत्तियां जो है पानी को वाष्प बना करके आकाश में छोड़ दे, हवा में छोड़ दे। आगे देखिए, सम प्लांट्स स्टोर द वेस्ट प्रोडक्ट्स, कुछ जो पौधे होते हैं ये वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करते हैं, स्टोर करते, कहाँ पे, विद इन देयर बॉडी पार्ट इन द वे दैट दे डू नॉट हार्म द प्लांट एज अ होल, ठीक है, इस तरह से स्टोर करती हैं कि इनको किसी प्रकार का नुकसान ना हो, ठीक है, और ये धीरे धीरे अपने वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करती जाती हैं, स्टोर करते जाते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो अपने वेस्ट प्रोडक्ट को भी स्टोर कर लेते हैं। सम प्लांट्स रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट एज सेक्रिएशंस, गम, रेजिन एंड लेटेक्स, कुछ जो पौधे होते हैं ये एक्सक्रिएटर सेक्रिएशन कर देते हैं यानी स्रावित कर देते हैं, जैसे कुछ गोंद के रूप में, कुछ रेजिन के रूप में, कुछ लेटेक्स के रूप में, इन पौधे, ये जो पौधे हैं अपने वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देते हैं। यानी कुल मिलाकर के अगर हम कहें तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रिएट करते हैं यानी अपने खराब तत्वों को बाहर निकाल। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड्स, यानी जितने भी सजीव हैं
ये अपने ही जैसे बच्चों को क्या करते हैं, जन्म देते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ लिविंग बीइंग इज बीइंग टू प्रोड्यूस टू इट्स ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, यानी पुनरुत्पादन, यानी वो भी किसी से जन्म लिए थे और फिर अपने ही जैसे को जन्म देते हैं तो फिर उन्होंने रिप्रोडक्शन कर दिया, यानी पुनः उत्पादन, है ना। जैसे ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें, हम मनुष्यों की बात करें, तो हम क्या, हमसे क्या होता है भाई, यानी ह्यूमन बीइंग क्या करता है, तो गिविंग बर्थ टू बेबीज, बच्चों को जन्म देता है, ठीक है। सम एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस, कुछ जो जानवर होते हैं अपने बच्चों को जन्म देते हैं थ्रू द एग, पहले अंडा देते हैं फिर उससे, अंडे से उसका क्या होता है, बच्चा निकलता है। जैसे चिड़िया पहले अंडा देती है फिर अंडे से बच्चा आता है इसका, टर्टल पहले अंडा देता है फिर उससे बच्चा होता है, स्नैक फ्रॉग, ये जो कुछ जानवर हैं ये पहले अंडे देते हैं और फिर उस अंडे से बाद में बच्चे निकलते हैं। लेकिन कुछ जो जानवर हैं गिव बर्थ टू द यंग वंस, ये बच्चों को ही जन्म देते हैं, जैसे डॉग, डॉग को जन्म देगा, ये अंडे नहीं देते, काऊ, कैट, ये सभी जो जानवर हैं हमने बात किया, ह्यूमन बीइंग, ये क्या करते हैं, बच्चों को जन्म देते, ठीक है। यहां पे ध्यान दीजिए, मेनी प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो अपने बीज से नए पौधे को जन्म देते हैं, यानी उनके बीज से नया पौधा बनता है। जैसे में अगर हम बात करें वीट, गेहूं का, राइस, चावल और दालें, ये सभी क्या है, कैसे उगते हैं नए पौधे, इनके बीज आप लगा दो फिर वहां से नए पौधे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो थ्रू द पार्ट्स ऑफ देन सीड्स सच एज ट्यूबर, यानी पोटैटो कटिंग्स, रोज, जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो अपने बीज से जन्म नहीं लेते, यानी अपने बीज से नए पौधों को जन्म नहीं देते हैं, ये अपने ही पौधों के अलग अलग पार्ट्स, यानी कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जहां से उनके नए पौधे जनरेट हो सकते हैं, निकल सकते हैं, जैसे पोटैटो हो गया, इसके अलग पार्ट से कटिंग, जो रोज है इसको काट करके ट्यूबर, यानी उसके पोटैटो का क्या किया जाता है, उसके बीज, यानी जो उसका फल होता है जो हम निकालते हैं, देखते हैं आलू है, उसकी आंख से, एक आंख जैसा बना होता है, उसी से उसका नया पौधा निकलता है। रोज को हम कट करके उसके डंठल को लगा देते हैं, वहीं से उसका नया पौधा निकल आता है। जैसे देखिए ह्यूमन बीइंग क्या करता है, बच्चों को जन्म देता है, बिल्लियां क्या करती हैं, अपने बच्चों को जन्म देती है, लेकिन चिड़िया जो है ये क्या करती हैं, अंडे देती हैं और फिर अंडे से क्या निकलते हैं, बच्चे निकलते, ठीक है। अगर हम बात करें सीड्स की, तो हमने सीड्स लगाया, ये इनसे नया पौधा जनरेट हो जाता है, आ जाता है। अगर हम बात करें पोटैटो की, तो ये हम आलू ही, उसी आलू को ही लगा देते हैं और इनके ये जो छोटे छोटे आँख दिख रहे हैं इन्हीं से ये पौधे निकलते हैं और फिर जड़ में ही ये और सारे, बहुत सारे आलू है ना, लग जाते हैं। अगर हम बात करें रोज की, तो हम क्या करते हैं, इसके डंठल्स को कट कर देते हैं और कट करके किसी दूसरे जगह पर लगा देते हैं, जिससे वहां पे एक नया पौधा फिर से शुरू हो जाए, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, ऑल लिविंग थिंग्स मूव, सभी लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, मूव करती, एक जगह से दूसरे जगह पर जाती है। अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग्स की, एनिमल्स की, बर्ड्स के बारे में, तो ये मूव करती हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चली जाती है। और वी कैन मूव ऑल्सो, देखिए वी कैन ऑल्सो मूव आवर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, हम अपने अलग अलग बॉडी पार्ट्स के थ्रू मूव कर पाते हैं या अपने अलग अलग बॉडी पार्ट को भी मूव कराते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि प्लांट जो जनरली क्या होता है, पौधों में, मिट्टी में क्या होता है, गड़ा होता है, यानी मिट्टी के साथ एंकर्ड होता है, जड़ा होता है ना, वहीं पे वो जुड़ा होता है, तो इसलिए वो वहां से तो मूव नहीं करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे वो मूव नहीं कर पाता। जबकि कह रहा है कि वेरियस सब्सटेंसेस, कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जैसे वाटर, मिनरल एंड फूड सिंथेसाइज्ड बाय द मूव्स फ्रॉम वन पार्ट टू प्लांट ऑफ प्लांट टू अदर, कहने का मतलब वो खुद तो मूव नहीं करता, लेकिन जो उसके अंदर कुछ ऐसे सिस्टम है, जो ऐसे तंत्र हैं जो पानी को एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करा पाते हैं, मिनरल्स को एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करा पाते हैं, जो पका हुआ भोजन है, बना हुआ जो भोजन है, उसे एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करा पाते हैं, है ना। तो इस तरह से वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट, प्लांट के ही एक पार्ट से दूसरे पार्ट में वो मूव करते रहते हैं, लेकिन खुद उनके जड़ जो है मिट्टी के साथ जुड़े होते हैं, है ना, इसलिए वो खुद एक जगह से दूसरे जगह पे नहीं मूव कर पाते। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, प्लांट ऑल्सो सो मूवमेंट्स बाई ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ
फ्लावर्स, बेंडिंग ऑफ प्लांट्स टुवर्ड लाइट, टच मी नॉट लिप्स क्लोज और होल्ड व्हेन समवन टचेस एटसेट्रा। यानी अगर हम इस तरह से देखें तो हम ये देखेंगे या पाएंगे कि जो पौधे हैं ये मूवमेंट दिखाते हैं, इनमें भी मूवमेंट होता है। जैसे अगर हम बात करें कुछ पौधे के फूल जो होते हैं बार बार खुलते हैं और बंद होते हैं, तो ये क्या है, मूवमेंट है। बेंडिंग ऑफ प्लांट्स टुवर्ड लाइट, लाइट की तरफ वो झुक जाते हैं, है ना। जैसे अभी हमने ऊपर बात किया था कि अगर लाइट की तरफ हम उसको रखें तो उसकी जो तने हैं या उसके जो फूल हैं, जो नए डंठल हैं, वो क्या होंगे, लाइट की ओर मुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या है, एक तरह से मूवमेंट है। जो हमने टच मी नॉट की पौधे की बात की थी, जैसे हम इसे छूते हैं इसके पत्तियां क्या होती है, फोल्ड हो जाती हैं, तो ये क्या है, एक तरह से ये मूवमेंट शो कर दे। ठीक है, आइए, ऑल लिविंग थिंग्स मूव, हमने इसके बारे में बात कर लिया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। जैसे आप यहां देख रहे हैं, आदमी मूव करता है, चिड़ियां उड़ती हैं, कुत्ते दौड़ते हैं या चलते हैं, सांप जो है रेंगता है, मछलियां इसमें तैरती हैं, ये सभी क्या है, एक तरह से मूवमेंट है, इन सब का मूवमेंट है। फिर यहां पे देखिए, ये पौधे जो हैं सूर्य के प्रकाश की ओर मूव कर रहा है, जिसके हम क्या बोलते हैं, फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं, है ना। ये सारी चीजें क्या हो रही है, यहां से मिनरल्स लिया जा रहा है, वाटर लिया जा रहा है, यहाँ पे क्लोरोफिल है ना, और ये कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटाइज ले एब्जॉर्ब कर रहा है, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। तो ये सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, यानी कि इसके पार्ट्स के अंदर मूवमेंट होता है, ये खुद मूवमेंट नहीं कर, इनसाइड द प्लांट, पौधे के अंदर मूवमेंट होता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ऑल लिविंग थिंग्स हैव अ डिफिनिट लाइफ स्पैन। यानी एक जीवन साइकिल है, या ये कह सकते हैं कि एक जीवन चक्र है सबका, लगभग डेफिनेट है, फिक्स है। हाँ, थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है तो बात अलग है, अपवाद है, एक्सेप्शन है, तो उसको न देखते हुए हम देखेंगे कि ऑल लिविंग थिंग्स रिमेन अलाइव फॉर अ सर्टन टाइम फॉर एंड फाइनली डाइज। कहने का मतलब है कि एक सर्टन टाइम, एक फिक्स समय के लिए वो जिंदा होता है, और फाइनली सभी जो लिविंग थिंग्स हैं वो क्या होते हैं, फाइनली मरना ही है सबको, है ना। कहते हैं ना, सब मोह माया है, सब मोह माया है, जब तक जिंदा है तब तक कर रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन ये फिक्स है, ये फाइनल है कि सबको मरना है। आइए देखते हैं लाइफ स्पैन अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग क्या क्या है। अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग का, तो एवरेज लाइफ स्पैन जो है, जीवन काल जो है, कितना है, 60 से 70 साल। अगर हम वही बात करें एक हाथी की, जो जीवन चक्र है या जीवन काल है, वो कितना है, 70 से 80 साल तक ये जीवित रहते। अगर हम बात करें टॉर्टोइस के कछुआ की, तो ये 120 से 150 साल तक जिंदा रह सकता है। अगर हम बात करें बटरफ्लाई की, तो ये 1 से 2 सप्ताह तक इसका जीवन चक्र होता है, यानी जीवन टाइम। ठीक है, अगर हम यहीं पे बात करें कि एनुअल प्लांट जो राइस और वीट है, ठीक है, कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन वन सीजन। जैसे राइस और वीट है, ये क्या होता है, एक सीजन में इनका एक लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है ना। अगर हम बात करें बेनिनियल, कैरोट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 सीजन, ये 2 सीजन तक चलता है। एंड प्रीनेलियल कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन मोर देन 2 सीजन। प्रीनेलियल होते हैं ये 2 सीजन कर लेते हैं, जो बेनिनियल होते हैं वो सिर्फ 2 सीजन करते हैं, ये जो है प्रीनेलियल जो है 2 सीजन से ज्यादा चल लेते हैं, जो एनुअल होते हैं, है ना, वो 1 साइकिल सीजन में चलता है, उनका 1 चक्र चलता है। अगर हम बात करें ट्री, जैसे बनाना ट्री है ना, तो ये 200 से 300 साल तक भी जिंदा रहते हैं। बनियान ट्री यानी जो बरगद का पेड़ है, ये 200 से 300 साल तक इसकी लाइफ चलती है। अगर हम वहीं बात करें पीपल ट्री की, तो ऐसा रिपोर्ट किया गया है, ऐसा पाया गया है कि ये 2000 साल से भी ज्यादा जीवित रह सकता है, या ऐसे पीपल के पौधे देखे गए हैं, पाए गए हैं, जो 2000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहां पे नेक्स्ट स्लाइड में कि डू सम नॉन लिविंग थिंग्स आल्सो शो सम ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कुछ नॉन लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर उसमें पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें कार, बाइसिकल, क्लॉक एंड द वाटर इन द रिवर मूव, ये क्या करते हैं, मूव करते हैं। मून जो है स्काई में मूव करता है, आकाश में चलता रहता है। क्लाउड जो है ये ग्रो करता है, साइज इसका बढ़ता घटता रहता है।
तो क्या हम उन सबको लिविंग थिंग्स कहेंगे? नहीं 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 कह सकते। इन सच केसेस वी नीड टू आस्क आवरसेल्व्स, अपने खुद से पूछिए कि डू दीज ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो शो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। किसी एक सिर्फ कैरेक्टर को शो करने से वो लिविंग थिंग्स का नाम उसे नहीं दिया जा सकता या लिविंग थिंग्स उसे नहीं कहा जा सकता। खुद से सोचिए क्या वो ऑब्जेक्ट, क्या वो चीजें कुछ और भी कैरेक्टर दिखा रही हैं जो लिविंग थिंग्स में होता है। अगर ऐसा है तब हम उसे लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में रखेंगे, अन्यथा सिर्फ और सिर्फ एक कैटेगरी से या एक कह सकते हैं कि जो कैरेक्टर है वो शो कर दे और उसे हम कहेंगे नहीं लिविंग थिंग्स में रख सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इन जनरल अगर साधारण रूप से देखा जाए तो समटाइम दैट इज लिविंग मे हैव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड, व्हाइल नॉन लिविंग थिंग्स मे नॉट शो द ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स एट द सेम टाइम। ठीक है, अगर हम कहें, अगर ध्यान दें तो जितने भी लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जितनी भी विशेषताएं हैं, वो सारी विशेषताएं नॉन लिविंग थिंग्स में हमें नहीं देखने को मिलती हैं। इसलिए हम नॉन लिविंग थिंग्स को कुछ एक कैरेक्टर मिल जाने से हम उन्हें लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में नहीं रख सकते। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स डेफिनेटली सो द ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड, हमने देखा सभी लिविंग थिंग्स जो है डेफिनेटली सभी कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती हैं जिसके बारे में हमने बात किया, है ना। जबकि नॉन लिविंग थिंग्स जो है वैसे कुछ ही, ओनली सम ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करती हैं, इसलिए हम उन्हें क्या करेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स में रखेंगे, ना कि हम लिविंग थिंग्स में रखेंगे। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में ही हम इसे रखेंगे। अगर हम देखें इज इट ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा सत्य है, कंसिडर मूंग सीड्स इट इज लिविंग, क्या जो मूंग का दाना है अगर हम बात करें, क्या आप कहोगे कि ये जिंदा है या वो लिविंग है? देखिए अब इसमें दो चीजें होती, अगर हम कहें कि अ मूंग सीड कैन स्टे इन अ सॉप फॉर मंथ बट डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, अगर मूंग का जो बीज है ये किसी अगर दुकान में है पैक्ड पड़ा हुआ है तो क्या वो कोई कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा अपने जीवन के बारे में, बताएगा कि नहीं मैं उग रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं, मैं अपने जैसे बड़े पौधे को जन्म दे रहा हूं? नहीं शो करेगा। लेकिन डिड द सीड नीड फूड, डिड इट एक्सक्रिएट ग्रो और रिप्रोड्यूस व्हेन इट वाज इन द शॉप फॉर मेनी मंथ्स, जब वो दुकान में होता है कई महीनों तक होता है तो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करता, क्योंकि उस पौधे को बढ़ने के लिए, चलने के लिए, या हम कहें क्या उसे किसी भोजन की जरूरत पड़ी? नहीं। क्या वो एक्सक्रिएट किया? नहीं। क्या वो बढ़ा? नहीं। क्या वो रिप्रोड्यूस किया? नहीं, कुछ भी नहीं किया। काफी लंबे समय तक उसे रखे रह जाओ आप दुकान में, वो कुछ भी शो नहीं करेगा, है ना। बट आफ्टर प्लांटिंग एंड वाटरिंग इट टर्न इंटू अ होल प्लांट, लेकिन जैसे उस बीज को हम मिट्टी के साथ जोड़ेंगे यानी मिट्टी में दबाएंगे और थोड़ा पानी दे देंगे, वो क्या होगा, धीरे धीरे एक पौधा बनना शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि डिसाइडिंग लिविंग और नॉन लिविंग इज रियली डिफरेंट, यह लिविंग कौन है, नॉन लिविंग कौन है, ये डिफरेंट तो है, लेकिन सीइंग एट द डाइवर्सिटीज ऑफ लाइफ इट कैन बी कंक्लूडेड दैट लाइफ इज ब्यूटिफुल। अगर हम इस डाइवर्सिटीज को देखें, इस जैव विविधता को देखें, तो हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो जीवन है ये काफी बहुत ही सुंदर है। ये चीज तो अलग है कि हम बहुत सारी चीजों को, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को हम डिसाइड नहीं कर पाते कि है या नहीं है, लेकिन जब कुछ रिस्पॉन्स करते हैं, कुछ अलग चीज कह सकते हैं सिचुएशन में जब जाते हैं, अलग जब वो टेम्परेचर में जाते हैं, अलग माहौल में जाते हैं, तो कुछ ना कुछ हमें वो शो करते हैं। इस तरह से ये चैप्टर क्या हुआ, आपका खत्म हो गया। ठीक है, तो अगर इस वीडियो में आपको जो पार्ट अच्छा लगा हो तो आप हमें जरूर कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं, और हाँ इस बात का ध्यान रखें कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। अगर आप खुद इस वीडियो पे नए हैं तो जरूर आप इसे सब्सक्राइब करें। नमस्कार।